तो जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से करता हूँ स्वागत हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों CPL का मैच नंबर 10 सेंट लूसिया वर्सेस गयाना के बीच होने वाला है। जानेंगे इस वीडियो में कौन हो सकता है टॉस का विनर, मैच का विनर, मैच का प्रिडिक्शन, पिच रिपोर्टर, प्लेइंग 11 और साथ ही मैच का पूरा प्रिडिक्शन इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन यदि आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम की लिंक मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे कि आपको मैच में सेशन, जैकपॉट एंट्री, ट्रेडिंग, कब लॉस कट करे, कब एंट्री करे, सब कुछ फ्री में रिपोर्ट दी जाती है। और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन नहीं हुआ हो तो अभी जाइए, व्हाट्सएप से भी जुड़ जाइए। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है जहाँ पे आप आकर के व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं मैच डिटेल्स की। तो दोस्तों CPL का मैच नंबर 10 सेंट लूसिया वर्सेस गयाना के बीच, जहां एक और फाफ दो प्लेस रहेंगे, वहीं दूसरी ओर इमरान ताहिर रहेंगे। बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। दुबई डेरेन सेमी नेशनल स्टेडियम में ये मैच होगा, जहां की पिच रिपोर्ट कहती है कि 42 मैच यहां पे हो चुके हैं, जहां पे की 25 मैच में चेस हुआ है और 17 मैच में डिफेंड हुआ है। इसके बाद बात करते हैं बैटिंग फर्स्ट का एवरेज कितना है। तो भाई यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का एवरेज स्कोर जो है वो 156 का है और यहाँ पे लास्ट रन रेट जो है वो 8 का स्कोर बन जाता है। आगे चल के बात करते हैं वेन्यू स्टार्ट्स की। तो हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 226 का है, लोएस्ट टोटल यहाँ 51 का है, हाईएस्ट चेस 218 का है और साथ ही लोएस्ट डिफेंड 137 का है। इट मीन्स कि यहाँ पे बड़े टारगेट भी चेस होते हैं और लोएस्ट टारगेट भी डिफेंड होते हैं। CPL है, यहाँ पे जैकपॉट उड़ते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आज बैटिंग सेकंड जो टीम करेगी वो मैच को जीत सकती है। आगे चल के बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। 10 मैच हुए हैं दोनों टीमों के बीच, जहाँ पे कि 4 में जीत मिली है सेंट लूसिया को, वहीं 6 में जीत मिली है गयाना को। सेंट लूसिया वर्सेस गयाना में गयाना की टीम हमेशा डोमिनेट करती है सेंट लूसिया पे। आगे चल के बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो भाई सेंट लूसिया की प्लेइंग 11 आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जहाँ पे कि जॉनसन चार्ल्स और फाफ डु प्लेसिस ओपनिंग करेंगे, भानुक राजपक्षा, टीम साइफर्ट, रोस्टन चेस, डेविड वीसे, ये सब खिलाड़ी जो है इस टीम में शामिल है। आगे चल के बात करते हैं गयाना की प्लेइंग 11 की। आपको यहाँ पे रहमतुल्ला गुरबाज, जी मोती, शाय होप, शिमरन हीटमायर, आजम खान जैसे सुपरस्टार खिलाड़ी इस टीम पे मिलने वाले हैं। मिला के मैच काफी रोमांचक होने वाला है, दोनों टीमों के प्लेइंग 11 काफी स्ट्रांग है। आगे चल के बात करते हैं टॉप परफॉर्मर की। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इस मुकाबले में रोमारियो शेफर्ड, शाय होप, आपको स्क्रीन पर रोमारियो शेफर्ड का स्टार्ट दिख रहा है, एक ऑलराउंडर है और बैटिंग और बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस फैंटेसी पॉइंट्स देते हैं। बात करते हैं शाय होप की। तो भाई शाय होप का जो रिकॉर्ड है इस पिच में ज्यादा बेटर है और शाय होप T20 में एक कंसिस्टेंट बैट्समैन बन चुके हैं, तो शाय होप को भी आप पिक कर सकते हैं। बात करते हैं नूर अहमद भी इस बॉलिंग से विकेट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो पिच है स्पिन फ्रेंडली पिच है, यहाँ पे विकेट मिलते हैं स्पिनर को, इसलिए नूर अहमद एक बेटर ऑप्शन साबित रहेगा ड्रीम 11 में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के लिए। और बात करें फाफ दो प्लेसेस की, तो यहाँ पे फाफ का बल्ला भी इस मुकाबले में बोल सकता है। आगे चल के बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज का लकी नंबर जो है दोस्तों वो 8 है, तो दिन आज का संडे है। बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो गयाना की बात करते हैं। गयाना का स्वामी शनि है, इनको पॉजिटिव पॉइंट, लकी नंबर 3 है, अगेन पॉजिटिव पॉइंट। इमरान ताहिर का शुक्र स्वामी नेगेटिव पॉइंट, लकी नंबर 9 है, अगेन नेगेटिव पॉइंट। यानी गयाना के पास 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है। यदि बात करते हैं सेंट लूसिया की, इनका शनि स्वामी है, पॉजिटिव पॉइंट, लकी नंबर 6 पॉजिटिव पॉइंट। फाफ का बल जो स्वामी है वो गुरु है, पॉजिटिव पॉइंट, लकी नंबर 4 है, नेगेटिव पॉइंट। यानी कि सेंट लूसिया के पास 3 पॉजिटिव है लेकिन एक नेगेटिव है। यानी कि जो टॉस का विनर है वो आपको मिलने वाला है शॉर्ट में। जी हाँ, शाम को 6 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे एक शॉर्ट अपलोड होगा, जहाँ पे कि आपको इसी मैच का जो टॉस का विनर है वो मिल जाएगा, या फिर आपको टेलीग्राम पे भी टॉस का विनर दे दूंगा। इसलिए टॉस का विनर चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम के लिंक मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे चल के बात करते हैं मैच के विनर की। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग 2 पॉजिटिव पॉइंट है गयाना को और 3 पॉजिटिव पॉइंट है लूसिया को। यानी कि मैच थोड़ा सा क्लोज हो सकता है और ये मैच काफी रोमांचक होगा, लास्ट बॉल तक ये मैच जा सकता है। बट कहीं ना कहीं आपको फाफ की टीम यानी कि सेंट लूसिया की टीम इस मैच को विन करते हुए दिखाई दे सकती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।